अल्कि 2898 AD बहुत ही कमाल की फिल्म है, और जैसा मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि इस फिल्म के अंदर आपको कल्कि पुराण के रेफरेंस भर भर कर देखने को मिलेंगे, और कुछ ऐसा ही फिल्म के अंदर हुआ। बट उससे पहले एक स्पॉइलर वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मूवी नहीं देखी है तो पहले जाकर इस मूवी को थिएटर में एक एक्सपीरियंस करके आओ, फिर इस वीडियो को देखो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम कृष्ण जी से लेकर कल्कि तक सब कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कल्कि पुराण के रेफरेंस यानी कि इंस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। कुछ बेसिक बातें आती है, जैसे फिल्म के अंदर दिखाया जाने वाला संभाला गांव, जो कि कल्कि पुराण में भगवान कल्कि का जन्म स्थान होगा, जहां पर वो पैदा होंगे, उस गांव का नाम होगा संभाला, और वहीं से इस गांव को लिया गया। उसके बाद में आते हैं दीपिका पादुकोण, उनका नाम तो कोई रेंडम नाम नहीं रखा उन्होंने, सुमति। जिस बोक से भगवान कल्कि पैदा होंगे उनकी माता का नाम होगा सुमति। एंड फिर आते हैं कल्कि पुराण में कलयुग का कुछ डिस्क्रिप्शन स्पेशली मेंशन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सेकंड फेज जैसे ही कलयुग का स्टार्ट होगा सब लोग भगवानों के नाम बोलना शुरू हो जाएंगे, और वो चीज आपको फिल्म के अंदर भी देखने को मिलती है कि लोगों को भगवान के नाम भी याद नहीं है। उसके बाद में आते हैं ब्राह्मणों का डिस्क्रिप्शन कि ब्राह्मण अपना जो मार्ग है, जो ज्ञान का मार्ग है, उसे से वो भटक जाएंगे। एंड फिर आता है क्षत्रियों का, तो क्षत्रिय कलयुग में डाकू बन जाएंगे, रक्षा नहीं करेंगे, लूटपाट मचाएंगे। और अगर आप फिल्म के अंदर देखो तो भैरवा का कैरेक्टर एक तरह से क्षत्रिय है, जो लूटने का काम ही करता है, यानी कि बाउंटी। एंड कली की अगर बात की जाए तो कल्कि पुराण के अंदर कली का जो डिस्क्रिप्शन है वो एक तरीके से मेटाफोर यूज किया गया है, जहां पे जो कली का ग्रैंडफादर है वो है अधर्म, एंड जो कली के दो बच्चे होते हैं, तो एक बेटा होता है भयानक और बेटी होती है मृत्यु। और अगर आप कमल हसन की एंट्री देखने के लिए जाओगे तब उसे मारने की कोशिश की जाती है, बट कमल हसन कहते हैं कि मृत्यु को मैंने बहुत प्राण दिए, वो मुझे कुछ नहीं करेगी। एंड उसके पीछे का मीनिंग यही है कि कमल हसन अमर नहीं है, बस वो मृत्यु को जानते हैं और इसीलिए मृत्यु उन्हें लेना नहीं चाहती, इसीलिए वो जीवित रहते हैं। अगर बात करूं मैं मृत्यु की, तो मृत्यु और भयानक के भी दो बच्चे होते हैं, जिसमें से एक होती है यातना, जिसे इंग्लिश में टॉर्चर कहा जाता है। और अगर आप इस फिल्म के अंदर का अर्थ देखोगे तो वो एक तरीके से टॉर्चर लगती है, क्योंकि सब कुछ सूख चुका है। एंड फिर आता है कमल हसन सर का लुक, तो अगर आपको लगता है ये किसी हॉलीवुड की फिल्म से कॉपी किया गया है तो नहीं, कल्कि पुराण में कलि का स्पेशली मेंशन किया गया है कि जब वो पैदा होता है तो वो एक स्मॉल बोन में होता है, सिर्फ हड्डी के सहारे, जिसे उपस्थि कहा जाता है, छोटा सा वो शरीर होता है। बट फिल्म के अंदर थोड़ा और चीजें दिखाई गई, जैसे कि वो जब भगवान कल्कि का थोड़ा सा ही एक बूंद अपने शरीर के अंदर डालता है तो उसकी पूरी बॉडी जनरेट हो जाती है। एंड उसके बाद आती है कलि की सेना, तो देखिए फिल्म के अंदर अभी आपको सिर्फ थोड़ा बहुत ही दिखाया गया है कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स के अंदर के लोग। और अगर बात करूं कलि की सेना की, तो वो बहुत ही विशाल है, जब भी तो उसने इतने सारे युद्ध को जीत कर इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स खड़ा किया था। बट फिल्म के अंदर सिर्फ दो ही कैरेक्टर दिखाए गए, एक है मानस और दूसरा है बानी। एंड अगर आप इन दोनों के नाम का मीनिंग समझोगे तो मानस का मतलब होता है मन, एंड बानी का मतलब होता है धन, यानी कि पैसा, मनी। और अगर मैं थोड़ा और भारी वर्ड यूज करूँ तो कुबेर। और कल्कि पुराण में लिखा हुआ है कि जो कलि की बहुत बड़ी सेना होती है उसमें से एक मेंबर होता है कुबेर, यानी कि पैसा। और जो बानी का कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वही तो लालच को सबसे ज्यादा जन्म देता है। एंड उसके बाद में दो और मेंबर आते हैं जो फिल्म के अंदर मिसिंग थे, जो आपको शायद सीक्वल या उसके थर्ड पार्ट में देखने को मिल जाएंगे, कोका और विकोका। कल्कि पुराण में मेंशन है कि कलि की टीम में दो ट्विन रहते हैं जिनका नाम कोका और विकोका होता है, और वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, और एक के बाल बड़े होते हैं एक के छोटे होते हैं, बट दिखने में दोनों ही सिमिलर होते हैं। तो फ्यूचर में हमें ये दोनों कैरेक्टर जरूर देखने को मिलेंगे। एंड फिर बात आती है कृष्ण जी की, तो अगर आपने नोटिस किया हो या ना किया हो, बट फिल्म के अंदर जो कहानी दिखाई जा रही थी भगवान कल्कि के पैदा होने की, वो कृष्ण जी के ही बर्थ से बहुत ज्यादा इंस्पायर है। जैसा कि कृष्ण जी के बर्थ से पहले ही एक भविष्यवाणी हो गई थी कि कंस की जान को खतरा है तो वो अपनी ही बहन को कारागृह में बंद कर देता और उनके बाकी के बच्चों को मारना शुरू कर देता है। वैसा ही कुछ आपको फिल्म में देखने को मिलता है कि जितनी भी पॉजिटिव लड़कियां होती है जो बच्चा पैदा कर सकती है, उन सबको वो कॉम्प्लेक्स के अंदर ले जाता है, बंदी बनाकर रखता है, और सबके बच्चों को वो अपनी बॉडी के अंदर लेता जाता है, यानी कि उन्हें मारता जाता है। उसके बाद में आते हैं चमत्कार की, तो भगवान जब पैदा हुए थे कृष्ण जी तब कई सारे चमत्कार आपको देखने को मिले थे, और मूवी के अंदर भी चमत्कार आपको देखने को मिलते हैं, जब दीपिका एक मशीन के अंदर होती है और अचानक से लाइट चली जाती है और वो वहां से गिरकर
अपने आप को बचा लेती। ये डायरेक्टर आपको एक चमत्कार दिखाना चाहते थे भगवान के जन्म से पहले, सेम वैसे ही जैसे कृष्ण जी के जन्म से पहले कारागृह के सारे दरवाजों के लॉक खुल गए थे। एंड उसके बाद में आता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन, जब दीपिका पादुकोण रास भाग रही होती है और दोनों ही तरफ से आग उसके मुंह के ऊपर आ रही होती है जो उसकी बॉडी को जला सकती है, बट वो अपने बच्चे को होल्ड करती है और चलना शुरू कर देती है और जो आग होती है वो अपना रास्ता बदल लेती है। ये सेम वैसा ही होता है जब कृष्ण जी को लेकर उनके पिताजी यमुना को क्रॉस कर रहे होते हैं, तब पानी कृष्ण जी के पैर को छूना चाहता है और जैसे ही पैरों को छूता है पानी एक मार्ग बना, एक रास्ता बना देता है क्रॉस करने के लिए। ये सेम वैसा ही था। और अगर आप इसे लॉजिकल वे में देखने के लिए जाओगे तो जब दीपिका क्रॉस करना शुरू करती है तो एक बहुत ही तेज हवा चलती है, उस हवा की वजह से जो आग होती है वो अपना रास्ता पीछे की तरफ कर लेती है और बीच में एक रास्ता बन जाता है बिकॉज ऑफ हवा। एंड फिर भैरवा की एंट्री सीन, तो भैरवा की एंट्री पर अगर आपको बैकग्राउंड में एक बिना डब हुआ सॉन्ग देखने को मिलता है, जो शायद आपको लगा होगा कि ये तेलुगु में बज रहा है और इसे किसी ने डब करना भूल गए हैं, तो आप यहाँ पर थोड़े से गलत हो, क्योंकि फिल्म ने जो अपना सारे गमा से टीम अप किया है उसके पीछे का रीजन है वो उतना सा म्यूजिक प्ले करना। उस म्यूजिक की इम्पोर्टेंस को समझा देता हूँ कि वो एक्चुअली में तेलुगु प्लस संस्कृत को मिलाकर भगवत गीता का श्लोक है जो वहाँ पे गाया जाता है मृत्यु से रिलेटेड, और वही श्लोक वहाँ पे बज रहा होता है। और अगर इसे हिंदी डब किया जाता तो शायद यदा यदा ही धर्मस्य, जो इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता, क्योंकि वो जो सीन कहना चाहता है वो श्लोक पर बहुत ही परफेक्टली फिट बैठता है, जिससे कॉमिक वे भी जनरेट होता है। एंड अब अगर भैरवा की बात निकली है तो बहुत लोगों को एंड आते आते लगा होगा कि प्रभास का कैरेक्टर भैरवा के साथ साथ कर्ण भी है, तो आपको बता दूं कि वो इस प्रेजेंट टाइम में कर्ण नहीं है। जो वो कर्ण बने थे वो जो कर्ण का हथियार था उसे छूने के बाद में एक ऑरा उनके अंदर जनरेट हुआ था जिससे वो कर्ण बने थे। एक्चुअली में उनका इस फिल्म में कर्ण का रोल नहीं है, इस फिल्म में उनका रोल है काल भैरव का। और बार बार ये मूवी आपको हिंट भी करती है काल भैरव काशी काशी करके। एंड कैसे वो काल भैरव है उसको मैं बता देता हूँ काल भैरव के डिस्क्रिप्शन के साथ में, कि काल भैरव का जो वाहन है वो एक कुत्ता है और काल भैरव के हाथ में एक डंडा रहता है हमेशा। और अगर आप फिल्म का क्लाइमेक्स देखोगे तो आपको ये दोनों ही चीज वहां पे देखने को मिलती है, जब बुज्जी को वो एक रोबोट बड़ा सा बनाकर लाता है तब वो कुत्ते की तरह दूर से देखने पर नजर आता है, और साथ ही साथ जब वो कर्ण के उस हथियार को अपने हाथ में लेता है तब वो एक डंडा बन जाता है, जो इंडिकेट करता है कि काल भैरव। और लॉजिकली अगर देखा जाए तो विष्णु का अवतार कल्कि है, और जब विष्णु जी अवतार लेते हैं तो शंकर भगवान को भी अवतार लेना ही चाहिए, तो काल भैरव का जो अवतार है वो शंकर जी का ही अवतार है, जो आपको इस फिल्म के अंदर प्रभास का देखने को मिलेगा, जो एंड प्रभास ही कल्कि के साथ मिलकर लड़ेंगे भी, क्योंकि ये फिल्म एक ट्रायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगी जहाँ पे और दो पार्ट आना अभी बाकी है। और कैसे ये मूवी फ्यूचर क्रिएट करती है उस पर थोड़ा आ जाते हैं। सबसे पहले हम कृष्ण जी की बात करते हैं। फिल्म के अंदर आपको कृष्ण जी का चेहरा नहीं दिखाया, उसके पीछे का एक बहुत ही क्रिएटिव माइंड है कि जो भी एक्टर भगवान कल्कि का रोल करेगा उसे ही वो भगवान कृष्ण दिखाएंगे, सेम एक्टर, इसीलिए कृष्ण जी का चेहरा नहीं दिखाया गया है। अब आते हैं इस फिल्म के अंदर, तो फिल्म में सुनने को मिलता है कि दीपिका 5 महीने प्रेग्नेंट है, और ये भी कहा जाता है कि बच्चा बहुत ही तेजी के साथ में बड़ा हो रहा है, यानी कि कुछ हफ्तों में ये पैदा हो सकता है, तो कुछ हफ्ते हम 4 हफ्ते मान लेते हैं, यानी कि 1 महीने बाद में ये बच्चा पैदा हो सकता है। तो फिल्म का जहां एंड हुआ था इसके 1 महीने बाद में दीपिका भगवान कल्कि को जन्म दे सकती है, और अगर बच्चा 1 महीने में यानी कि 6 महीने में पैदा हो रहा है इसका मतलब बच्चा फास्ट ग्रो भी करेगा, यानी कि तेजी से बड़ा होगा, तो प्रभास की उम्र ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, इतने में जो भगवान कल्कि होंगे वो प्रभास की उम्र के बरोबर चले जाएंगे, तो इस तरीके से ये मूवी बैलेंस करेगी। एंड जहां तक कि मुझे लगता है फिल्म के जो 2 पार्ट बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे कि जो पार्ट 2 हमें देखने को मिलेगा वहां पे अश्वत्थामा एंड भैरवा सामने वाली टीम यानी कि यास्किन की टीम से लड़ाई करेंगे, इसीलिए वो सेकंड पार्ट के युद्ध में शामिल नहीं होने वाले, उस युद्ध को भैरवा एंड अश्वत्थामा मिलकर लड़ने वाले हैं। और उस फिल्म में जहां तक कि मुझे लगता है भैरवा मर भी सकता है या बच भी सकता है, अगर आप कल्कि के रोल को बड़ा दिखाना चाहते हो तो शायद हो सकता है पार्ट 2 में भैरवा के कैरेक्टर का वो एंड कर दे। और रही बात अश्वत्थामा यानी कि अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर की, तो उनका मकसद सिर्फ इतना ही है कि वो भगवान कल्कि को पैदा होने तक प्रोटेक्ट करके रखे। अब जैसे ही वो पैदा हो जाएंगे उसके बाद में अश्वत्थामा की जो ड्यूटी है वो पूरी हो जाएगी और वो फिर से अपनी जर्नी पर आगे निकल जाएंगे, या फिर कृष्ण जी ही उन्हें स्वर्ग लोक का रास्ता बताएंगे। एंड जो पार्ट 3 होगा उस पार्ट 3 में होगी लड़ाई
किसकी, कल्की वर्सेस यास की, यानी कि कली की। एंड अगर बात करूँ कल्कि पुराण के, तो वहाँ पे मेंशन किया गया है कि भगवान कल्कि को जो शिक्षा देंगे वो होंगे चिरंजीवी परशुराम। परशुराम ही वेदों का ज्ञान और अस्त्रों का ज्ञान उन्हें देंगे। तो फिल्म के पार्ट 3 में हमें कल्कि जब बड़े होने लगेंगे, परशुराम जी की भी एंट्री हमें देखने को मिलेगी, और हो सकता है वो भी इस युद्ध में शामिल हो, और कुछ और भी चिरंजीवी हमें पार्ट 3 में देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब महायुद्ध होगा तो वो बहुत ही विशाल होने वाला है, यानी कि बहुत से लोग उसमें शामिल होंगे। और उस युद्ध की जो लोकेशन होगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप फिल्म के अंदर देखोगे तो संभाला खत्म हो चुका है, और संभाला को जो जीवन दे रहा था वो एक पेड़ था। ये सेम वही रेफरेंस है जो आप अवतार फिल्म के अंदर देखते हो कि एक पेड़ ही आपको जीवन देता है, वैसा ही संभाला को जो जीवन दे रहा था वो एक पेड़ था, जिसे युद्ध की वजह से ऑलमोस्ट नष्ट कर दिया है, और सब लोग वहां से जा चुके हैं। अब सवाल है कि ये कहां गए होंगे। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मूवी में ये डायलॉग होता है, फर्स्ट मैन लैंड एंड नो मैंस लैंड, ऐसी जगहों का जिक्र किया जाता है, यानी कि सिर्फ काशी या संभाला ही गांव नहीं है, और भी कई सारी सिटीज अवेलेबल है पृथ्वी के ऊपर जहां पे लड़ाई होगी। और जो सबसे ज्यादा नाम मेरे सामने आ रहा है वो है जगन्नाथपुरी, क्योंकि कल्कि पुराण में मेंशन है कि जब कली वर्सेस कल्कि होगा तब जगन्नाथपुरी पूरा का पूरा डूब जाएगा पानी की वजह से। और पार्ट 3 का जब क्लाइमेक्स होगा वो हो सकता है जगन्नाथपुरी में ही देखने को मिले, जिससे बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है और पृथ्वी के ऊपर, यानी कि लॉजिकली अगर इसे देखा जाए तो कुछ ऐसा होगा कि कली ने पूरा पानी ऊपर बचा कर रखा, और जब टीम सारी जगन्नाथपुरी में इकट्ठा होती है लड़ने के लिए, तो कली की मृत्यु के बाद में आसमान से पानी डायरेक्ट नीचे आता होगा, और उसकी वजह से जगन्नाथपुरी पर बाढ़ आ जाती होगी, और बाकी जितनी भी पृथ्वी है जहाँ जहाँ पानी चाहिए होता है वहाँ पर वापस पानी आ जाता है, क्योंकि कली खत्म हो चुका है, कॉम्प्लेक्स टूट जाता है और पानी सारा नीचे आ जाता है। और जहाँ तक कि मुझे लगता है कुछ ऐसा ही आपको पार्ट 3 में देखने को मिलेगा। तो पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए कितने इंटरेस्टेड हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, तुम्हारी क्या थ्योरी है वो भी बताओ। एंड उसके बाद मैं अगर फिल्म पर आऊँ तो देखो, फिल्म जब नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो जाएगी तब इस फिल्म को मैं दोबारा प्रॉपर वे में देखूंगा, और उन सारे ईस्टर एग्स को पकड़ेंगे हम, क्योंकि इस फिल्म में बहुत सारी चीजें थे। फॉर एग्जाम्पल, जो भैरवा के हाथ पर टैटू था वो इंस्पायर था उसी के कैप्टन के टैटू से, दुलकर सलमान। और हो सकता है पार्ट 2 या पार्ट 3 में आपको दुलकर भी देखने को मिल जाए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में वो बंदी बनाए गए, मारे नहीं गए। एंड इसी के साथ मैं करता हूँ मैं वीडियो को खत्म, बट उससे पहले आपके लिए मेरा एक सवाल है कि अगर इस वीडियो पर अच्छी खासी व्यूज, लाइक या फिर शेयर हो जाता है तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कली के ऊपर, कि कैसे कली ने पूरी दुनिया को ओवरटेक कर रखा है। और अगर आप इस टॉपिक के लिए इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ में।